आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 100 ग्राम मूंगफली से 1 किलो मिठाई तैयार करें और इसे विंटर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 100 ग्राम मूंगफली लिए हैं, गैस पर रख दिया था पैन गर्म होने के लिए। अच्छे से पैन गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूंगफली को भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही भूनना है। टोटल इसे हमें भूनने में 4 मिनट लगे हैं और देखिए इसके जो छिलके हैं अलग हो जा रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छे से ये भून गए हैं। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। दोबारा हम इसी पैन में 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं तो 50 ग्राम गेहूं का आटा लिए है, इसे हम बहुत ही अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे भूनने में टोटल हम 3 मिनट लगाए हैं। 3 मिनट में बहुत ही अच्छे से भून गए हैं, इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन चला जाए। मूंगफली अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। मूंगफली के छिलके निकालने का तरीका यही है, मूंगफली को ऐसे ठंडा होने दें, इसके बाद हाथों से इस तरीके से क्रश कर दें, बहुत ही अच्छे से छिलके निकल जाते हैं। मूंगफली के छिलके अलग कर दिए हैं, मिक्सी के जार में से हल्का दरदरा पीस लेना है। हमें इसी पैन में गुड़ का पाक तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम गुड़ लिए हैं, इस पैन में डाल देंगे। इसमें हम बड़े वाले चम्मच से 3 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं, इससे गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फिर बहुत ही समय लगेंगे पकाने में पाक को। गुड़ वाले पाक को हमें एक तार वाली चाशनी में नहीं बनानी है, बस इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर पका लेना है। इसके बाद देखिए छाग आ गए हैं। अब हमें गेहूं का आटा जो भून कर रखा है उसे डाल देंगे। जो हमने मूंगफली को हल्का दरदरा मिक्सी के जार में पीस कर रखा उसे भी डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर देना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पैन से छोड़ने लग गया है, बहुत ही अच्छे से इकट्ठे होने लग रहे हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है तो इसे अब हम चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में काफी अच्छा लगेगा। इसे हम बर्फी के सेम में काट रहे हैं, आप इसे किसी भी सेम में काट सकते हैं। इसे आप विंटर में महीनों दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं रेसिपी कैसा बना है।